बिग बॉस सीजन 12 इन दिनों हर किसी के लिए मजेदार बना हुआ है, फिर चाहे वह क्रिकेट से जुड़ा हुआ स्टार हो या फिर एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ। बिग बॉस के कंटेस्टेंट श्रीसंत की चर्चा जोरों पर है। हाल ही में जब श्रीसंत ने थप्पड़ कांड के बाद दीपिका और जस्टिन के सामने अपने मैच फिक्सिंग के आरोपों पर घर में चर्चा कर रोने लगे तो इस वीडियो को काफी देखा गया। दीपिका, मेघा और जस्टिन से बात करते वक्त श्रीसंत ने यह कहा कि उन्हें मैदान में घुसने की भी इजाजत नहीं है। इतना ही नहीं, उन्हें मैच फिक्सिंग के लिए 10 लाख रुपए का प्रस्ताव दिया गया था जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। फिर भी उन पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगा दिया गया। श्रीसंत की पत्नी ने इसे लेकर ओपन लेटर लिखा है और राज कुंद्रा को सट्टेबाज कह दिया है। श्रीसंत ने 7 बार अपनी जान देने की भी कोशिश की। उनके इस मैच फिक्सिंग के बारे में सुनकर उनके पिता बीमार हो गए थे। माँ डिप्रेशन में चली गई थी। यहाँ तक कि अगर भविष्य में उनके बच्चे क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें मैदान पर जाने की अनुमति भी नहीं है, यह कहकर श्रीसंत घरवालों के सामने रोने लगे। श्रीसंत का इस बात का खुलासा करने का किसी ने मजाक बनाया है तो कोई उनके इस एपिसोड का वीडियो देखकर भावुक हो गया है। यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि श्रीसंत की पत्नी घर के बाहर उनका मजबूत तरीके से सपोर्ट कर रही है। हाल ही में उनके इस वीडियो पर राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा ने फनी अंदाज में एपिक लिखा। इसके साथ ही उनके इस वीडियो पर हंसने वाला इमोजी भी बना दिया। यह देखकर श्रीसंत के फैंस भड़क उठे और उन्हें खड़ी खोटी सुनाने लगे। इतना ही नहीं, क्रिकेटर श्रीसंत की पत्नी भुवनेश्वरी ने भी राज कुंद्रा की बोलती बंद कर दी, उनको जमकर लताड़ा। उन्होंने राज पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक श्रीसंत का कर्ज तक नहीं चुकाया है। उन्होंने आगे लिखा कि श्रीसंत को मैच फिक्सिंग के मामले में बरी कर दिया गया था जबकि राज कुंद्रा बैटिंग के मामले में दोषी पाए गए हैं। श्रीसंत ने राजस्थान रॉयल्स के लिए IPL खेला था। इसी वक्त उन्होंने साल 2013 में मैच फिक्सिंग के आरोपों का भी सामना किया था। जब श्रीसंत का पूरा मामला सबके सामने आया तो राजस्थान रॉयल्स के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया था। 2015 में कोर्ट ने श्रीसंत और अन्य खिलाड़ियों को कोई तथ्य न मिलने के कारण बरी भी कर दिया था। इसी पर भुवनेश्वरी बात कर रही है। श्रीसंत ने अभी तक अपने खिलाफ मैच फिक्सिंग होने की कोई बात नहीं रखी है लेकिन राज कुंद्रा ने खुद बैटिंग की बात को कबूल किया है जिसके चलते उन पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया था।